हेलो गाइस, स्वागत है नेत्र ब्लॉग में एंड स्वागत है हमारे चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? तो एंड थोड़ा बहुत प्यार दिखाएं हमारे चैनल पे और काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट करें और छोटे भाई को या फिर बड़े भाई को प्यार करें और जितना जितना हो सके शेयर करें। तो थोड़ा बहुत प्यार दिखाएं यार, आप तक तो प्यार नहीं दिख रहा क्योंकि तो देखिए मौसम कितना मस्त हो रखा है, धूप हुआ है तगड़ा वाला, फिर भी हवाएं चल रही हैं और मस्त ठंडा मौसम हो रखा है और गर्मी है पर उतना नहीं, मतलब पता नहीं चल रहा है इस ठंडी ठंडी हवाएं की वजह से। तो आज तो कुछ राहत है, नहीं तो इसके पहले दिन थोड़ी गर्मी थी, शरीर जैसे पक जा रहा हो। तो आज ठीक ठाक, खाली हॉस्टल पूरा खाली है, हमें अकेले, तो क्या अकेले रहने रहते रहते बोर हो जा रहा है आदमी और हॉस्टल है पूरा खाली, तो आप समझ ही सकते हैं बोरिंग हो जाती है आदमी अकेले अकेले। और आज वैसे भी क्लास पहले आ गए हैं तो जिसके कारण और ज़्यादा टाइम यहाँ पर देना पड़ा है। तो अभी देखते हैं कहाँ निकलते हैं कहाँ नहीं निकलते हैं और जैसा होता है आप तो खुद देखेंगे और जानेंगे। अकेले बैठे बैठे अकेले हॉस्टल पे अपने थर्ड फ्लोर पे रहते रहते आदमी बोर हो जा रहा है, तो आप लोग कुछ आइडिया दें क्या किया जाए क्या ना किया जाए। और वैसे मैं लग रही है आज आंधी तूफान आएगी, कभी कभी तगड़ी हवाएं चल रही है, देखिए अभी दस्त चल रही है तेज़ हवा, आपको तो पता चल नहीं रहा होगा, तो हम फील ले रहे हैं ठंडी हवाएं का। तो देख सकते हैं कितनी तगड़ी धूप हो रखी है, धूप यार धूप। तो कभी कम सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं अपने भाई को और काफ़ी ज़्यादा शेयर एंड लाइक कमेंट ठोकते जाएं, तो जितना जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के पास। और कम से कम आपका भाई है तो कम से कम हमारे जगह पर आप भी रहते थे, आप भी बोलते कि सपोर्ट और प्यार दिखाते रहें। आपका भाई तो अकेले फर्स्ट ब्लॉगर है, आपको सपोर्ट करना चाहिए एंड फिर भी आप अपना सपोर्ट और प्यार नहीं दिखा रहे हैं अपने छोटे भाई के लिए। देखिए दोनों कोने पे शेरानी का झंडा लहरा रहा है, ये कभी रुक नहीं सकता, तो गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। और इस साइड में क्रिकेट चालू है अपने भाई लोग का रोज की तरह, यहाँ पे तगड़ा वाला क्रिकेट होता है। आप देख सकते हैं अभी 10 सनसेट होने वाला है और कितना मस्त मौसम हो रखा है, और इधर का भी नज़ारा कुछ आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है। तो अभी मस्त सनसेट होने वाला है और दिखाते हैं आपको मस्त वाला सनसेट। गाइस देखिए लोगों से काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुआ है, भाई तुम भी कुछ बोलो। ये भाई शर्माता है काफ़ी, यही वो बंदा है जो मतलब जीमेल आईडी से एक थार ले चुका है। सनसेट होने वाला है, कितना मस्त हम लोग आए हैं ठंडी हवा एंजॉय लेने। तो अभी देखिए मस्त सनसेट होने वाला है, भाई सोया था कितने घंटे से? तीन चार घंटे से। आप कितने घंटे सोए थे? और मैं तो 5 घंटे सोया था, सबसे बड़ा रिकॉर्ड मेरा है। मस्त हो गया सनसेट, अभी आप देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा हुआ है, एकदम मस्त हम लोग बीच एंजॉय ले रहे हैं। ये अपने भाई लोग शाम को कुछ काम हो गया इसके कारण वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो कैसे हैं आप लोग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है इसी ब्लॉग में आपका। तो आज कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को, चलिए देखिए आगे आगे होता क्या है, फटाफट चलते हैं मार्केट को संभालने के लिए। तो बज रहे हैं 6 और इतनी तगड़ी धूप से शुरुआत होते हुए आज की सुबह, तो आप समझ सकते हैं आज का दिन कैसा होने वाला है और इतनी तगड़ी धूप है। तो देखते हैं भाई साहब सुबह से नारियल की दुकान लेकर निकल चुके हैं, इस गर्मी में नारियल एक सहारा है जो शरीर को कुछ आराम देते हैं। फटाफट नहा रेडी होते हैं, जा रहे हैं क्लास और मस्त नहा होते हैं रेडी, और अभी हम हो चुके हैं रेडी और निकलते हैं क्लास के लिए। काफ़ी तगड़ी धूप हो रखी है आप देख सकते हैं, तो चलते हैं क्लास फिर फटाफट। धूप हो रखी है अभी कल के क्लास के लिए, मैं हॉस्टल से हो रही है तगड़ी वाली धूप, हम और भाई जा रहे हैं अपने साधन का व्यवस्था करने, अभी जा रहे हैं हम लोग हॉस्टल पे। अभी देखिए इतनी धूप में इतनी तगड़ी आनी चालू हो गई है, तो बस बारिश का इंतजार है, बारिश देखते हैं कितनी तगड़ी धूप हो रखी है, इसमें क्या क्या होने की संभावना है। और इस धूप में सिर्फ आंधी चल रही है वो भी गर्म हवा की। कितना तगड़ा धूप हुआ है, भाई के पास गमछी है तो गमछी लगा लिया है। खा लिया है। जैसे ही हॉस्टल के बाहर पहुंचे आप देख सकते हैं इतनी तगड़ी वाली आंधी आ चुकी है और हम पूरे धूल से लटपट हो गए हैं। तो अभी देखिए शाम को नहाना पड़ेगा, देख सकते हैं क्या हालत हो चुकी है हमारे चेहरे पे और बाल उल सारा बिखर गया है, पूरा आंधी आ रही है तगड़ी वाली। ये देखिए आप पूरी तगड़ी वाली आंधी आ रही है, एकदम तगड़ी वाली आंधी चालू हो गई। और रोड पे निकलने के बाद तो देख सकते हैं कितनी तगड़ी आंधी चालू हो गई है इस धूप में, इस आंधी का कोई मतलब नहीं है। तो अभी टाइम हो रहा है आपका शाम के 5 बजे का, तो 5 बजे तक इतनी तगड़ी धूप हुई और लगातार अभी तक हवा चल रही है उसी तेज रफ्तार में, देखिए अभी उसी तेज रफ्तार में हवा चल रही है और काफ़ी तगड़ी धूप हो रखी है, तो अभी कहीं बाहर जाना भी ठीक नहीं रहेगा। अयोध्या का वीडियो आपने वायरल कर दिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से धन्यवाद। तो ऐसे भी अपने छोटे भाई को प्यार दिखाते हैं और सपोर्ट करते हैं और भी वीडियो वायरल करते हैं, तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियो कल से परसों से आपको देखने को मिलेगा। तो जितना जितना हो सके प्यार करें, मेरा एक वीडियो वायरल करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका छोटा भाई आंसू ब्लॉग 2021 पे आपका स्वागत है। चलते हैं मंजीत के साइड के रूम पे, अकेले रहते रहते बोर हो गए थे तो चलते हैं मंजीत और विनीत से मिलते हैं, कुछ टाइम पास करते हैं। मैं आया था आपको टाइम पास करने और कुछ अकेलापन को दूर करने, मंजीत रूम लॉक करके कहीं चला गया है और मेरा विनीत भाई सो रहा है, तो अब क्या किया जाए, कोई भी चारों तरफ से बोरिंग हो रही है तो अभी कुछ कर भी नहीं सकते और इतनी तेज हवा में धूल लकड़ में कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, तो वैसे ही हो रहा है आप देख ही रहे हैं और समझ ही रहे हैं लगातार बाहर में हवा चल रही है इतनी तगड़ी वाली और पूरा धूल लकड़ उड़ रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए जो कंटेंट है यही है और एक दो दिन में बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेगा आपको, तो जुड़े रहे हमारे थ्रू और जितना जितना हो सके अपने भाई को प्यार दिखाएं। चारों तरफ से घूम कर आ गए तो कोई नहीं मिला, तो फिर हम वापस आ गए छत पे और ये देखिए क्या हो गया,
झंडा फंस चुका है और ये श्री राम जी का झंडा फंस गया था, तो अभी देखिए इतना मस्त लहरा रहा है और वो उधर भी श्री राम जी का झंडा इतना मस्त लहरा रहा है। जब कोई नहीं मिलता है तो यही सब काम रहता है अपना, टाइम पास करते रहिए। और देख सकते हैं ये अभी का मौसम और नज़ारा देख सकते हैं आप, तो अपना तो यही काम है। अभी चलते हैं, यहाँ सोचते हैं कल के लिए या फिर जो भी आपको जितना जितना हो सके बढ़िया दिखाने के लिए। अभी तो हवा चल रही है पर धूल धक्कड़ नहीं उड़ रहे हैं, देख सकते हैं अभी सनसेट होने वाला है। और कल आज शायद आज ब्लॉग आपका बहुत ही लेट हो गया है, कल शूट नहीं कर पाया टाइम से, तो आज ब्लॉग लेट हो चुका है, कल टाइम से शूट नहीं कर पाया इसी की वजह से। आए हुए थे मार्केट में और चलते चलते गर्मी से बुरा हाल हो गया है। मेरा भाई विनीत भी है साथ में और दोनों लोग गए थे, मेरा एक सामान लाना था, बहुत ही स्पेशल सामान था। घूम फिर के थक गया और सारा काम करने के बाद और घूमने फिरने के बाद इस ब्लॉग के पेंट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करते जाएं। बाय टाटा।